मोबाइल लेके हम जाम में फंसे हुए थे, जा रहे थे धीरे धीरे, टसिन 10-12 लोग आए, धड़ाधड़ मारने लगे। एक आदमी तो हमारे ऊपर ही मारने गया था, हल्का से लगा, फिर हम दरवाजा बंद करके भागे तुरंत। कौन लोग थे? वो लाल गमछा वाले थे, हाँ चुनाव वाले थे। तो क्यों मारने लगे अचानक? पता नहीं, पूछने गए तो कुछ भी नहीं, भोसड़ी की बोल रहे था, फिर मारने लगे, आगे फिर आके फोड़ दिया। पहले पास ही फोड़े थे, फिर जब बोले तो आगे फोड़ दिया, फिर डंडा दो तीन डंडा बोनट पर मार दिया, फिर उसी में सब चलो 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 भाग गए सब। फिर उसके बाद हम गाड़ी के अंदर आके बैठे तो गाड़ी आगे बढ़ाए। ये 2307 एम्बुलेंस है। कहाँ से आ रहे हैं? ये छितमपुर से आ रहे हैं, डिलीवरी का पेशेंट है। क्या हुआ यहाँ पर? अब जाम लगा है, क्या करें, खड़े हैं साइड भी नहीं। अब इमरजेंसी क्या, डिलीवरी है तो इमरजेंसी तो है ही है। हम भी सोच रहे हैं कितना जल्दी पहुँचा दें हॉस्पिटल। ऐसी होती है ना, ठीक है, पता लगा है कि दो गुटों में थोड़ी बुरी विवाद हुआ है, एक आध जगह जो है हल्की फुल्की, और तो कोई खास सूचना नहीं। उस विवाद में जो झड़प हुई है, दो छात्रों के ग्रुप जो आपस में भिड़े हैं, गाड़ी में तोड़ फोड़ देती है, उसको लेकर कॉलेज प्रशासन किस तरह की? नहीं, अब कॉलेज प्रशासन उसको अपने ढंग से नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमारा कार्य जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसमें हमारी फोर्स जो है ठीक से काम कर रही है। और कोई मुकदमा वगैरह दर्ज कराया जाएगा क्या इस तरह का जो विवाद? नहीं, हमारे तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं।